हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ मस्त और खुश और घर में सुरक्षित होंगे। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और मैंने इसके अंदर डाला है ब्राउन शुगर। जैसे कि आपको पता है कि मैं चीनी नहीं लेती हूँ और आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं मॉर्निंग में कभी भी चाय नहीं पीती हूँ। मतलब पीती हूँ लेकिन तब पीती हूँ जब मेरे पति उठ जाते हैं, तो पति के साथ ही मैं चाय पीती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के लिए जब मैं चाय बनाती हूँ तब भी मैं चाय लेती हूँ, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या हो गया और मैं 5 बजे ही चाय बनाने लगी अपने लिए। और ये जो मैंने इस बॉक्स के अंदर डाले थे वो मुनक्का है और मैं उनका नाम भूल गई थी, तो मैंने ये पैकेट रखा था क्योंकि वो ख़त्म हो गया। तो ये सेकेंड जो है हम ले कर आए थे, मतलब मैंने मंगाया था, मैंने लेके आई थी। और ये मुनक्का बहुत ज़्यादा हम खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं आपको मैं बताती हूँ। ये मुनक्का बहुत अच्छा होता है खांसी के लिए। आप इसको नॉर्मली सिंपल तरीके से तवे पे सेक सकते हैं, थोड़ा काला नमक और थोड़ी काली मिर्च डाल के आप इसको जो है बच्चों को दे सकते हैं, खुद खा सकते हैं, तो खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। और मेरी चाय रेडी है यहाँ पर झाग वाली। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मुझे ये वाली जो झाग वाली चाय होती है बहुत पसंद है। सिंपल सी चाय दिखने वाली वो मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत सारी झाग हो तो अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और 5 बज रहे थे तो, और पीछे जो है बेड पे मेरे बच्चे सोए हुए थे, तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, लेकिन इतना धीरे वॉइस आ रही थी कि आपको सुनाई नहीं देगी, इसीलिए मुझे माइक का जो है यूज़ करना पड़ा। तो अभी देखते हो, अभी मतलब मैं अपनी माइक को बंद करती हूँ और आप सुनने की कोशिश कीजिए कि मैं कितना स्लो बोल रही थी। माइक था फिर भी नहीं आवाज़ आ रही थी। सब सोए हैं घर पे, इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। बच्चे सोए हैं पीछे अपने, दिख रहे होंगे। तो और पता नहीं क्या हुआ, मैं मॉर्निंग में कभी चाय नहीं पीती हूँ। मतलब मैं चाय पीती हूँ, बहुत पीती हूँ, बट मॉर्निंग में नहीं पीती हूँ। मैं चाय पीती हूँ जब मेरे हस्बैंड पे, मतलब अपने पति के साथ चाय पीती हूँ, मतलब बनाती हूँ तभी चाय, तभी पीती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा जल्दी बना ली चाय पीते, और मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि साइड में मेरे बच्चे सो रहे हैं, वो उठ ना जाए, इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे। तो आपने देखा कितना कम साउंड है मेरा। और आज है मदर्स डे, तो वैसे तो मदर के बिना कोई भी दिन नहीं होता, माँ के बिना कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जो माँ का दिन ना हो। बट लेकिन लोग बनाते हैं तो हम भी उसमें थोड़ी सी खुशी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल कर देते हैं उस दिन, क्योंकि एक दिन जैसा मतलब होना चाहिए ऐसे ना, मदर्स डे, फादर्स डे, कि उस दिन जो है हम लोग कुछ करें अपनी मम्मा के लिए। बट लॉकडाउन बहुत ही ख़तरनाक वाला यहाँ पे लगा है, अब तो जो है मतलब शॉप भी नहीं खुल रही है यहाँ पे, तो और रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे थे, तो हम कुछ नहीं लेके आए। ये केक मेरी छोटी वाली सिस्टर ने बनाया, जिसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने डाली और उसने बोला कि मैं ही बनाऊँगी, तो चलो मैंने कहा तुम्हें बनाओ, बाकी सब मैंने बनाया और ये बड़ी वाली दीदी ने बनाया। मतलब हम तीनों ने मिल के कुछ ना कुछ करके मम्मी के लिए जो है घर पर ही बनाया, क्योंकि आप भी जानते हो कि माहौल बहुत ख़राब है, बाहर जाना सेफ नहीं है, और जब हम घर के कुक हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आज बहुत ही बड़ा जो है कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो गई आज मेरी छोटी वाली सिस्टर की, क्योंकि उसने बनाया मम्मी के लिए केक और मम्मी ने जब उस केक को खाया, मतलब बड़ी दीदी को भी खिलाया, लेकिन उन्होंने वो फील नहीं कराया कि मतलब केक कितना गंदा बना था। लेकिन जब मम्मी ने उसको टेस्ट किया तो मम्मी को जो है मतलब मम्मी को वो थूकने जाना पड़ा। आप देखना अभी मेरी मम्मी का रिएक्शन, तो हो जाता है यार कभी कभी ऐसे। अपने ही बनाए केक पर उसका खुद का रिएक्शन देखिए देखने लायक था, और वो खुद भी नहीं खा पाई। और बहुत ही मतलब मज़ेदार जो है ये हमारे साथ घटना हो गई आज।
इतना हंस रहे थे, इतना मतलब मज़ा आ रहा था, क्योंकि टेस्ट हमने भी थोड़ा किया था तो हमें लग रहा था कि वो सही नहीं बना है केक, बट फिर भी हमने सोचा मम्मी का दिल रखने के लिए हम नहीं बोलते, मम्मी को खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है कुछ सामान, कुछ केक लेके हम जा रहे हैं एक और माता श्री के पास जो यहाँ पर है। एक्चुअली यहाँ पर एक डॉगी है जिसके 8 बच्चे हुए हैं, और उसको मतलब मोहल्ले में भी सभी लोग कुछ ना कुछ देते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको कोई नहीं केयर कर रहा है। देखिए पड़ोस की एक बच्ची ने इसका जो है पूरा घर बना दिया यहाँ पे, और इतना मतलब इतनी ये डॉगी को जब हम खाना देने के लिए, क्योंकि सभी लोग इसको कुछ ना कुछ दे रहे हैं तो उसके पास काफ़ी चीज़ें होती है, इसने क्या किया कि वो जो हम सामान उसको दे के आए, केक वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उसने थोड़ा सा गड्ढा खोदा और उसके अंदर अपना सामान रख दिया। कितने इंटेलिजेंट होते हैं ना डॉगीज़, कि अगर बाई चांस हमें मुझे कल कोई देने ना आए, या बाई चांस मेरे पास कल कुछ खाने के लिए ना हो, तो कम से कम वो यहाँ से निकल के खा सकती है। और यहाँ पर मैंने दहानी को काम दिया था कि प्लीज़ आप केक देख के आओ कैसा बनाया है, तो ऊपर वाले किचन में केक बनाया था छोटी वाली सिस्टर ने, तो वो देखने के लिए गई थी और उसने देखी वीडियो भी कैसी बनाई है। मैंने बोला था वीडियो बना के लाना केक कैसा बना है, तो आप खुद ही सुनिए और खुद ही देखिए कि क्या वो करके आई है इसको वीडियो को। मम्मी केक कहाँ है दिखाना, भाई भाई बताओ उनको, मुझे पता नहीं कैसे इसे हटाना, उन्होंने कह दिए रानी है केक पे पंटरत्ता, मैं दिखा नीचे पेन टंडरा ये नहीं है, कहाँ चला गया, फ्रिज में रखा होगा मैंने, मम्मी इसमें ऐसे हटा के देखो सब्जी प्लीज, सब्जी उसमें, अरे इसमें नीचे नीचे लेगी वो कौन केक, मम्मा यहाँ पे नहीं था, मैंने दीदी शायद नीचे ले गई है। तो ये वीडियो जो है बनाई है मेरी क्यूट सी बेटी ने दानी ने, और कोशिश अच्छी की मेरी गुड़िया ने वीडियो बनाने की, बट बच्चे तो बच्चे हैं क्या कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से हमने छोटा सा पार्टी किया मम्मी के लिए, मम्मी को खुश करने के लिए, और मम्मी को जो है वो पतले वाले पकौड़े होते हैं वो बहुत पसंद है, तो मैंने मम्मी के लिए वही बनाए थे। और कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी न्यू मदर को, जिसने जिसके हुए हैं 8 बच्चे, और उनके बच्चों से भी मिलवाऊंगी। कल के ब्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें कुछ और भी आपको मिलने वाला है खास। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ क्योंकि रात बहुत हो गई है, तो सोना भी बहुत ज़रूरी है। तो ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और घर में रहें।